जेएनयू में पिछले कई महीनों से फीस बढ़ोतरी को लेकर वहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि वहाँ पर एक दो बार पहले भी हिंसक घटनाएं हो चुकी है और कल बीती रात एक बार फिर से हिंसक घटना हुई है कि वहाँ पर जो फीस बढ़ोतरी को लेकर जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसके बाद दो गुटों के अंदर झड़पें हुई हैं और झड़प में कई लोगों के घायल भी हुए, जो छात्र घायल हुए। ऐसे हम बात करेंगे दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी से। मनोज तिवारी जी, अब उस घटना को लेकर ये कहा जा रहा है, एक सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है कि ये जो दंगा हुआ कल वहाँ पर हुआ है जेएनयू के अंदर, वो बीजेपी की तरफ से कराया गया, यानी कि एबीपी के छात्रों ने वहाँ पर नकाब पोष बंद कराए और उन्होंने छात्रों के साथ मारपीट की है। आपको क्या लगता है कि क्या इस घटना को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, पूरी घटना को समझने के लिए थोड़ा जेएनयू के इस पूरे प्रकरण को समझने की आवश्यकता है। मारपीट कौन कर रहा है? जो परीक्षा नहीं होने देना चाह रहा है। और मार कौन खा रहा है? जो परीक्षा देना चाह रहा है, रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहा है, सर्वर कक्ष में बैठ के अपने रजिस्ट्रेशन करा रहा है। जिन लोगों ने फीस वृद्धि के ऊपर बवाल किया वो कौन है ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। लेफ्ट के लोग हैं, कांग्रेस समर्थक लोग हैं, आम आदमी पार्टी समर्थित लोग हैं, और वो फीस वृद्धि के ऊपर एक पूरा हमारा मानव संसाधन मंत्रालय ने इंटरप्शन किया और उसको स्वयं वो कई चीज़ें बैक किया कि नहीं भाई, इस तरह की अभी बच्चों की फीस बढ़ाने में आप मत जाएं, और उसको मिनिमाइज किया। लेकिन अब उसकी जो भी फैसले हो रहे हैं उसमें सरकार भी हम बच्चों को राहत देने के लिए काम कर रही है, तो बच्चे शांत हो गए। लेकिन वो कौन सा ग्रुप है जो राहत मिलने के बाद भी शांत नहीं होना चाह रहा है? अब वो कह रहा है हम परीक्षा ही नहीं होने देंगे। तो आप किसी छात्र को परीक्षा देने से, रजिस्ट्रेशन करने से रोकेंगे और नहीं रुकने पे उनको मारोगे? तो इस पूरे झगड़े में ये आप जान लीजिए कि जो परीक्षा रोकना चाहते हैं उन्होंने उन लोगों को मारा है जो परीक्षा देना चाहते हैं। अब ये कितनी खतरनाक बात है कि जो परीक्षा देना चाहता है उसको जो नहीं देना चाहते हैं वो मारने हैं, धमका रहे हैं, पीट रहे हैं। और कैसे? ऐसे नहीं कि आए हाथा धक्का मुक्की हो गया, पूरा नकाब पोश, नकाब बांध के एकदम जैसे हम कर लिया पहचान नहीं पाएंगे। इस तरह की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों जरूरत पड़ी आपको नकाब बांधने की? क्यों जरूरत पड़ी आपको इतना रॉड, बड़े बड़े रॉड लेकर के? और किसी में रात में गया था ना एम्स में ट्रॉमा सेंटर, किसी का 8 टाका लगा है, किसी का 7 टाका लगा है, किसी का इधर फटा है, मतलब किसी का फटा नहीं तो ब्लड आ रहा है, पैर फटा है, मतलब उन सबों की स्थिति देख करके आप घबरा जाएंगे। आपने जो भी लोग देखे होंगे वीडियो में, वो उनको एक बड़ी दहशत होगी। अब इससे थोड़ा सा पीछे चलिए, उसी जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगा, उसी जेएनयू में भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी का नारा लगा, और उसको सह कौन दिया? अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी। तो मैं इसी मुद्दे पर ले जाना चाह रहा हूं कि ये कोई झगड़ा नया नहीं है। जेएनयू में अब दो फाँक हो गया है छात्रों में। एक छात्र कहता है हम इस तरह के ये हम लड़ाई और मारपीट करने नहीं आए साहब, हम जेएनयू में पढ़ने आए हैं। दूसरा ग्रुप कह रहा है क्या करोगे पढ़ के और मारपीट करो, सरकार को डिस्टर्ब करो। कुछ लोग उसको छात्रों को राजनीतिक हथियार बना रहे हैं और वो सबसे पहले आकर के बयान देते हैं। हमने तो अभी कुछ नहीं कहा, मैं भी रात में गया, मैंने कहा ना, अभी कह रहा हूं कि कड़ी से कड़ी जांच, इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी है उसको कड़ी सजा हो। प्लीज, ये जो राजनीतिक लोग आ करके ना हिंसा करने वाले लोगों को बचाने के लिए खड़े हो रहे हैं, इन लोगों पर भी अब कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये के आप पे आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि ये जो दंगा हो रहा है इसके लिए बीजेपी पूरी तरीके से जिम्मेदार है, क्योंकि वो सीए पे भी आरोप आपके ऊपर आरोप लगा रही है, और जो जेएनयू के अंदर घटनाएं हो रही है उनका कहना है कि जेएनयू को जो एक शैक्षणिक संस्था उसको खत्म करना चाहती है बीजेपी खासतौर पर। आप देखिए, इन्होंने सीए से जोड़ दिया ना, तो स्पष्ट हो गया कि इनकी मानसिकता क्या है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ छात्रों का बेहतर भविष्य देने के लिए काम कर रही है।
आज मैं आपको टोटल टीवी के साथ बता रहा हूँ, इन लोग जिन लोगों ने ये मारपीट की है ना, इस बार इनके ये भी नहीं बच पाएंगे, उनके बाप भी नहीं बच पाएंगे। आपको लगता है कि बाहर से कुछ लोग आए थे, उन्होंने मारपीट जैसे कि जैसे वो उधर नारे लगाए गए थे, बाहर से उनका कहना था कि बाहर से लोगों के आके नारे लगाए। यस भाई साहब, आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, बाहर से लोग भेजे गए हैं और कुछ वहाँ के छात्र जो छात्र के रूप में जो भ्रमित हैं और कुछ लोग जो इसी मानसिकता से आए हैं, तो मेरा ये मानना है कड़ी जांच हो और जो वहाँ लिप्त है वो भी, और जो उनके आका बैठे हुए उन लोगों को सबको, अब ये जेएनयू को बचाना पड़ेगा और उन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा जो इसके पीछे साजिश रच रहे हैं। ये था मनोज तिवारी जी, जिनका कहना था जो जेएनयू के अंदर कल हिंसा हुई है उसमें दोषियों को सख्त सख्त सजा देनी होगी और साथ ही जो उनके आका बैठे यानी कि जिनके दिशा निर्देश पर ये घटना को अंजाम दिया गया उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़ दिल्ली।